जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस टाइम पैलेस्टाइन और इसराइल के बीच घमासान युद्ध छिड़ा हुआ है, दोनों तरफ से बमबाजी हो रही है। इस पे कंगना रनौत कुछ टिप्पणी करते हुए, जिसमें वो पैलेस्टाइन के खिलाफ रहती हैं और इसराइल के पक्ष में रहती हैं, क्या टिप्पणी करती हैं जानते हैं इस वीडियो में। हेलो गाइस, माय सेल्फ दीक्षा जैन, आई एम फ्रॉम सिनेस्पीक्स। जैसे कि हमने देखा कि पैलेस्टाइन देश में कैसे दहशत फैली हुई है, इसराइल बैक टू बैक वहाँ पे बम फेंके जा रहा है, पूरी जनता वहाँ की बहुत बुरी तरीके से परेशान है। ऐसा ही नहीं कि हम लोगों को परवाह नहीं है, पूरा देश, पूरा भारत इस टाइम उस युद्ध पे नज़र बनाए रखा है। उस पे कंगना रनौत टिप्पणी करते हुए बोलती हैं, कट्टरवादी इस्लामी आतंकवाद के विरुद्ध इस युद्ध में भारत इसराइल के साथ खड़ा है। अपने देश और लोगों को आतंकवाद से बचाना हर राष्ट्र का मौलिक अधिकार है और इसमें भारत इसराइल के साथ खड़ा है। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी लिखा, वो आतंकवाद फैलाएंगे, जब आप करारा जवाब देंगे तो बेईमानी से पीड़ित बन जाएंगे। आप सिर्फ धरना प्रदर्शन भी करेंगे तो वो आपकी संसद और 5-स्टार होटल पर धमाका कर देंगे। जो लोग उन्हें जवाब देना चाहते हैं उन्हें इसराइल से सीखना चाहिए। इस टिप्पणी में काफ़ी फैंस उनके साथ भी खड़े हैं और काफ़ी उनकी ट्रोलिंग भी कर रहे हैं। कुछ ट्रोलर्स तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी मांग भी कर रहे हैं कि उनकी इंस्टाग्राम पोस्ट को, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए लॉग आउट कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। और इसी बीच कंगना रनौत के इस पोस्ट के बाद एक्टर अली गोली और एक्ट्रेस गौहर खान भी इस पोस्ट के बहुत ज़्यादा खिलाफ रहती हैं। वो अली गोली एक वीडियो डालते हैं अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में, जिसमें पैलेस्टाइन की एक बिल्डिंग के ऊपर बम फेंका जाता है इसराइल द्वारा, और वो लिखते हैं, और हमारे यहाँ की एक एक्ट्रेस बोलती हैं कि ये सब सही हो रहा है, क्लैपिंग का इमोजी दे के, और फिर लिखते हैं थू है तेरे मुँह पे। जी हाँ, अली ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अली गोली को कंगना रनौत के पोस्ट पे बहुत ज़्यादा नाराज़गी होती है तो वो ये करते हैं। उसके बाद गौहर खान भी पोस्ट में बोलती हैं, दिस वुमेन हेट्स मुस्लिम, शी हेट्स मुस्लिम सो मच दैट शी डजंट इवन नो फैक्ट्स अबाउट द इश्यूज शी स्पीक अबाउट एंड टारगेट मुस्लिम एंड पुट्स इट्स ऑल अंडर इस्लामिक टेररिज्म। Palestine is the remotely sounding like a Muslim country. She doesn't even know that Palestine has Islam, Christianity and Judaism. गौहर खान भी इसमें काफ़ी नाराज़गी जताती हैं कि कंगना रनौत बिना कुछ सोचे समझे ना, बिना कुछ जांच किए कुछ भी पोस्ट कर देती हैं। वो दोनों पक्ष को नहीं देखती हैं, वो बस एक ही के साथ खड़ी हो जाती हैं। इस पोस्ट के बाद भी काफ़ी फैंस गौहर के साथ खड़े हैं, वो भी समझते हैं कि कंगना रनौत सही नहीं कर रही है, और काफ़ी लोग मना भी करते हैं कि वो कंगना के साथ खड़े हैं कि कंगना रनौत सही काम कर रही है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।